एमी जायका में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बनाएंगे बैगन का भरता। ये बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है, आप इसे जरूर ट्राई करें। बैगन का भरता बनाने के लिए हमने लिया है बैगन। इसका वजन 400 ग्राम है। सबसे पहले हम बैगन को ऐसे दो तीन हिस्सों में काट लेंगे। तो एक नाइफ से ऐसे स्ट्रेट कट कर लें। बैगन को ऐसे काटे कि वो अलग ना हो। ये देखिए ऐसे। इससे आपको ये पता चलेगा कि बैगन भीतर से खराब है या नहीं। तो यहाँ पे हमने चार हरे मिर्च और लहसुन लिए हैं। हरे मिर्च को जो हमने कट किया है उसके भीतर डाल दें। ये ऑप्शनल है, अगर आपको ये मेथड यूज नहीं करना है तो आप ना करें, लेकिन इससे बैगन का भरते का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो हमने चार हरे मिर्च और चार लहसुन इसके भीतर ऐसे डाल दिया है। आप चाहें तो इसे एक दो कट करके प्लेन भी रोस्ट कर सकते हैं। अब हम गैस का फ्लेम ऑन करके इस बैगन को मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। इसे अब चारों तरफ से अच्छे से पकने दें। और आप देख सकते हैं कि बैगन जो है कि ऑलमोस्ट पक गया है। तो एक बार इस फोक से हम इसे चेक कर लेंगे। ये देखिए भीतर से भी पक गया है। और अब इसे एक प्लेट में निकाल के पूरा ठंडा होने दें। बैगन ठंडा हो गया है, अब इसका छिलका निकालें। आप चाहें तो छिलका निकालने के बाद इसे वॉश भी कर सकते हैं, लेकिन हम सजेस्ट करेंगे इसे वॉश ना करें क्योंकि इसका टेस्ट कम हो जाता है। इसके पिछले हिस्से को ऐसे कट कर लें। अब हम बैगन को एक बाउल में डाल के इसे अच्छे से मैश कर लेंगे। हमने इसे अच्छे से मैश कर लिया है, अब इसे अलग रख दें। अब हम बैगन के भरते का मसाला बनाएंगे। इसके लिए हमने एक पैन में 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल लिया है। जब तेल गरम हो जाए इसमें हम मिलाएंगे आधा टीस्पून जीरा, 2 मीडियम साइज बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को हम 2 मिनट मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। ये हल्का सा फ्राई हो चुका है। और अब हम इसमें मिलाएंगे 1 टीस्पून लहसुन अदरक पेस्ट, आप किसा हुआ लहसुन अदरक भी यूज कर सकते हैं, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, आधा टीस्पून धनिया पाउडर। इन सबको अच्छे से मिला लें। अब हम मिलाएंगे एक बारीक कटे हुए टमाटर। टमाटर को 2 से 3 मिनट लो मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। अब हम यहाँ पे मैश किए हुए बैगन डाल देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लें। नमक मिला लें स्वाद अनुसार, आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर। इसे अच्छे से मिला लें। अब हम इसे 1 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर लगातार भुनेंगे। बारीक कटा हुआ हरा धनिया मिला लें। और अब हम यहाँ 1 टेबलस्पून फ्राइड शेंगदाना मिलाएंगे। इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। गैस का फ्लेम ऑफ कर लें। यह हमारा बैगन का भरता तैयार है। उम्मीद है आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।